नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, ऐ जमीन आसमान के मालिक। आसमानों में देवता और फरिश्ते तेरी रोशनी उठाए, तेरी आराधना करते हुए सितारों में विचरते हैं। समुद्र, पर्वत और पृथ्वी के देवता ऋषिगण, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य रात दिन तेरा ही नाम जपते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, उपच्छाया मेवा गृपोर्गणमः, भीषण गर्मी और सूर्य की धूप से तपते हुए व्यक्ति के लिए जैसे वृक्ष की छाया सुखदायक होती है, विश्राम देने वाली होती है, ऐसे ही मेरी आत्मा के लिए हे आदि पुरुष, हे ज्योतिर्ब्रह्म, तेरे चरणों की छाया है। सतपुरुष सूत्र संख्या 37, माया आवरणात् वह परमात्मा माया से ढका हुआ है। इस शरीर में जैसे जीव आत्मा इस शरीर की ओट में छुपा है, जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिप जाए, चंद्रमा छिप जाता है, तारा गण छिप जाते हैं, और बादलों के हटने पर वे प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर की ओट में वो अविनाशी ईश्वर छुपा हुआ है, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसके नाम को जपते हैं, जो उस आदि पुरुष परमात्मा के तपो ध्यान में लगे रहते हैं, वह उनके भीतर से प्रकट होता है। इस पृथ्वी को कहीं से भी खोदो, वहीं गहराई में जाके जल निकल आता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जो अपनी आत्मा को निर्मल बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं,
उनकी आत्मा में उस आदि देव परमात्मा का प्रकाश किसी रतन मणि की तरह झिल मिलाने लगता है। चाहे वो एक साधारण किसान हो, राजस्थान में धन्ना जाट जैसे सरल हृदय निर्मल आत्मा, और वहां देखो नारायण विष्णु उनका हल चलाने के लिए आ जाते हैं। भोले भाव मिले रघुराई, जिसका हृदय सरल है, जिसके भीतर भोलापन है, जिसमें छल कपट बनावट नहीं है, उसके भीतर से परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करें, मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करें, जपते एक निरंजन एक का ध्यान करें। संत फटा चीथड़ा पहनता है, किंतु अपनी आत्मा में ईश्वर के प्रकाश मणि को धारण करता है। उसकी फटी हुई चादर में सारा संसार विश्राम पाता है, शरण पाता है। पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक का जब साम्राज्य था, पाटलिपुत्र के निकट से भागीरथी गंगा और सोनभद्र नदी बहती थी, दोनों का संगम स्थल वहां था। एक बार वहां पर बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया, नगर में पानी आ गया। मुख्य जो दुर्ग था, किला था राजा का, वहां भी पानी चढ़ आया। राज्य में कितने ही पुरोहित पुजारी पंडित महात्मा सिद्ध, भगवान बुद्ध भी वहीं पर विराजमान थे, और उनके बहुत से साधक, वे भी वहीं वर्षा काल चतुर्मास कर रहे थे, और सब उस भयंकर दृश्य को देख रहे थे। उसी नगर में थी एक नगर वधु सुंदरी नृत्य करने वाली वैश्य बिंदुमती, उसका नाम था बिंदुमती। श्रृंगार करके वो राजा के सामने पहुंची और कहा, देव हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गंगा मैया से प्रार्थना करती हूं, वो मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेगी। सम्राट अशोक ने कहा, देवी इस समय पूरा राज्य संकटग्रस्त है, बाढ़ की स्थिति भयानक है, प्रजाजन हाहाकार कर रहे हैं। हे देवी, तुम गंगा से प्रार्थना करो। और वो आरती की थाली लिए हुए गंगा में उतर गए।
बिंदुमती एक नाचने वाली स्त्री। थोड़ी देर आंख बंद करके वो खड़ी हुई और गंगा का पानी उतरने लगा, दूर होता चला गया और वहां से मीलों दूर गंगा चली गई। पंडित साधु महात्मा पुजारी अचरज से भरे रह गए। सब उस नाचने वाली वेश्या को देवी माता देवी माता देवी माता कहके प्रणाम कर रहे हैं। सम्राट अशोक का मस्तक उसके चरणों पे झुक गया। हे देवी माता, तुमने इन प्रजाजनों को बचा लिया, अन्यथा मेरा ये नगर जलमग्न हो जाता, ये निश्चित था। तुम धन्य हो, तुमको बार बार मेरे प्रणाम। प्रजाजन उसकी जय जयकार कर उठे। अगले दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुए, उनकी चरण वंदना की। बुद्ध ने पूछा, राजन किस चिंता में खोए हो, तुम्हारा मन बड़ा अशांत बड़ा व्यग्र दिखाई पड़ रहा है। अशोक ने कहा, भगवान मेरे राज्य में एक ऐसी घटना हुई है जो अचरज में डालने वाली है। और जिससे मैं हतप्रभ हूं, सारे साधु सन्यासी सिद्ध पुजारी हार गए। एक नगर वधु, एक नाचने वाली स्त्री, एक वैश्य जिसका जीवन ही पाप कर्मों में बीता, उसकी प्रार्थना देवताओं ने सुन ली, परमात्मा ने सुन ली, मां गंगा ने सुन ली, हमारी नहीं सुनी, सिद्धों की, महात्माओं की, पुजारियों की, ब्राह्मणों की, किसी की पुकार उसने नहीं सुनी, रोते बिलखते बालकों की आवाज उसने नहीं सुनी। ये कैसे संभव हुआ? बुद्ध मुस्कुराए, कहा, राजन पृथ्वी में कहीं भी खोदने पर जैसे जल निकल आता है और कहीं खोदो तो नहीं निकलता, ऐसे ही वो जो सर्वज्ञ है, वो जो अनंत सत्ता है, वो किसके भीतर प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता। जहां उम्मीद होती है वहां नहीं होता, और जहां किसी को उम्मीद नहीं होती वहां वो प्रकट हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, उस मेरी पुत्री बिंदुमती की आत्मा में वो ज्योति प्रकट हो गई। ये कोई अचरज की बात नहीं है। चीन में एक बार भयंकर सूखा पड़ा, बारिश हो नहीं रही थी। वहीं पर एक छोटा सा पवित्र पहाड़ था, उस पहाड़ की बड़ी मान्यता थी, महीनों से लोग वहां पूजा पाठ कर रहे थे। हे भगवान बारिश डाल दे, हे परमात्मा जल बरसा दे, बारिश हो नहीं रही थी।
बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, सब सबके प्रयास व्यर्थ हो गए। एक गरीब परिवार था, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। उस परिवार ने सोचा, चलो हम भी पूजा देखने चलें। बहुत दिनों से पहाड़ पर पूजा हो रही है। उस बच्चे ने कहा, मैं भी जाऊंगी। बोले, हाँ हाँ चलो चलो, सब चलते हैं। पर उस लड़की ने कहा, मुझको छाता चाहिए। छाता किस लिए? माँ बारिश होगी तो मैं भीग नहीं जाऊंगी क्या? माँ ने कहा, अरे कमबख्त, यहां तो बारिश कराने वाले थक गए, तू छाता मांग रही है, कहां ऐसी बारिश पड़ रही है, लोग हमें देख के हंसेंगे, तू ऐसे ही चल। बोले, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। बोले, नहीं जाएगी तो तू यही रहे, हम जा रहे। बोले, नहीं मैं जाऊंगी जरूर और छाता लेके जाऊंगी। बच्चों की जिद छोटी सी लड़की थी, कहीं से ढूंढ के उसको छाता दिया, ले पकड़ छाता। बगल में छाता दबाया लड़की ने और साथ में जा रही है। और जैसे ही वे लोग पहाड़ पर पहुंचे, धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उस लड़की ने तुरंत अपना छाता खोला, हंसी, अपनी माँ से कहा, देखा मैंने कहा था ना मैं भीग जाऊंगी, अब मेरे पास छाता है, मैं नहीं भीगूंगी। अचरज एक जरा सी बच्ची के भीतर से परमात्मा की ज्योति प्रकट हो गई। विश्वास, पक्का विश्वास, जिस आत्मा में पूरा विश्वास है, परमेश्वर उसके लिए असंभव को भी संभव बना देता है। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, जब हमारी जुबान पवित्र हो जाती है, तब उस प्रभु परमेश्वर का नाम लेते हुए ही, उसका नाम जपते ही, मन में विश्वास आते ही, चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। और कितने ही तूफान आए, कितने ही संकट आए, वो परमात्मा हमारी कश्ती को, हमारी नौका को अपने हाथ से थामे रहता है। समंदर कितना ही गहरा हो, उस कश्ती को डुबा नहीं सकता जिसका विश्वास उस मालिक में, उस परमात्मा में अटल है, निश्चल है। बहारें गई जब भी जुबां तेरा नाम आया। ओ को
बाल्टी भी तेरे हाथ में, तूफान जब आया मेरी कश्ती भी तेरे हाथ में, तूफान जब आया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। बाहरें आ गई जब भी जुबान पे तेरा नाम आया, गुरु की चौखट पे बैठ के, गुरु की चौखट पे बैठ के अपने रब को पुकार। दोनों दुनिया में अगर चाहवे है जियार, हजारों बिजलियां टूटी मेरा घर फूंक देने को, हजारों बिजलियां टूटी मेरा घर फूंक देने को, हजारों बिजलियां ओ मेरे सिर के ऊपर था मेरे सतगुरु तेरा साया, मेरे सिर के ऊपर था मेरे सतगुरु तेरा साया, मगर मेरे सिर के ऊपर था मेरे सतगुरु तेरा भी जुबा पे तेरा नाम आया, मेरी कश्ती भी तेरे हाथ में, तूफान जब आया
जिनके हृदय में परमेश्वर के नाम का सिमरन है, उनके हृदय में अंधकार, उनके जीवन में दुख कलेश रह नहीं सकते। जहां उस प्रभु का स्मरण है, उसके नाम का जप जिस हृदय में चल रहा है, वहां अमृत अमृत और उस अविनाशी पुरुष का उजाला ही उजाला है। मेरे प्रभु घर में तो अंधेरा रहने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। आया
कितना ही बुरा वक्त हो, कितने ही मुसीबतों के दिन हो, कितने ही संकटों के बीच हमारा जीवन घिर जाए, फिर भी उस परमात्मा की तरफ से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। न जाने कब उसकी रहमत जोश में आवे और किनारों पर मोती बखेर जावे। अंधेरों से घिरा मैं आंसुओं से मुंह को धोता था, अंधेरों से घिरा मैं आंसुओं से मुंह को धोता था, अंधेरों से घिरा मैं आंसुओं से मुंह को धोता था। वो परमेश्वर उतर के आसमां से मेरे घर प्रमाण है, सत्य है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने मृत्यु के देवता को पृथ्वी पर भेजा और वो मृत्यु देव हमें हमारी आत्मा को शरीर से निकाल के परम ब्रह्म परमेश्वर के महल में ले गए। स्वर्ग नरक पाताल देवलोक ब्रह्मलोक देवताओं और फरिश्तों के लोग सब जगह उन्होंने हमको दिखाया और वो जो अनंत ज्योति रूप परमात्मा है वहां पर वो ले गई। अंधेरों से घिरा मैं आंसुओं से मुंह को धोता था, परमेश्वर उतर के आसमां से मेरे घर आया, परमेश्वर उतर के आसमां से मेरे घर आया। बाहरें आ गई जब भी जुबान पे तेरा नाम कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब आया, कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आखिरकार तेरे इश्क ने बीमार का काम तमाम किया। दवा कोई काम तेरे बीमार पे
तेरा नाम है मेरी बंदगी, तेरी याद में मेरा सर झुका के तू बख्श दे मेरी जिंदगी। और गुरु नानक क्या कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख कामन होई तू करता करना मैं नाही, जा करी न होई। ए परमात्मा तेरा दिया हुआ ये दुख की दवा और दारू है, मैं कुछ भी करूं जे लख कर्म कमाइए कुछ पावे न बंदा, जन नानक चित में नाम धर सब छोड़ दे धंधा, जो तेरा हुक्म है वो ही होता है, तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पावे, जिस गुरु पूरा भेंट या सोई चले न जावे, तेरे हुक्म से सब कुछ है, दवा कोई काम आई तेरे बीमार पे ऐ रब, किसी ने नाम लिया तेरा तो इस दिल को सकून आया, किसी ने नाम लिया तेरा तो इस दिल को सकून आया, बहारें आ गई जब भी जुबान पे तेरा नाम आया, बहारें आ गई जब भी जुबान पे तेरा नाम आया, मेरी कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब आया, जिस किसी ने अपने हृदय को धो धो के निर्मल बना लिया, शीशे जैसा बना लिया, उसके भीतर से उस सच्चे सुल्तान परमात्मा का प्रकाश झिलमिलाने लगा, मेरे हुजरे की खिड़की से जो एक दिन झांका चांद ने, मेरे की खिड़की से जो एक दिन झांका चांद ने, मेरे हुजरे की खिड़की से जो एक दिन झांका चांद ने, के नूर का पर्दा वो शाहे दो जहां आया, के
मेरे हुजरे की खिड़की से जो एक दिन झांका चांद ने, उठा के नूर का पर्दा वो शाहिदों जहां आया, उठा के नूर का पर्दा वो शाहिदों जहां आया, बहारें आ गई जब भी जुबां पे तेरा नाम आया, बहारें आ गई जब भी जुबां पे तेरा नाम आया, कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब आया, मेरा सतगुरु साचा शाह है, मेरा सतगुरु साचा शाह है, कर्म की रेत मिटा दे भव अंधियार से पार करके ज्योति ज्योत समावे, लगा के मुझको सीने से कहा यूं मेरे सतगुरु ने, लगा के मुझको सीने से कहा मेरे सतगुरु ने, लगा के मुझको सीने से कहा यूं मेरे सतगुरु ने, क्या राजा महाराजा सदा हंसते ही ना रहेंगे, उनके जीवन में भी मुश्किलों के दौर गम की हवाएं आती हैं, और जो गुलाम हैं धूल में गिरे पड़े लोग हैं वे रात दिन रोते ही ना रहेंगे, उनके लिए भी खुशी का कोई ना कोई मौका जरूर आता है। तू अपने परमात्मा की तरफ अपनी निगाह को रख, दिल में उसको याद करता रहे, ये वक्त ये पतझड़ ये बेकसी ये व्याकुलताएं हमेशा रहने वाली नहीं, लगा के मुझको सीने से कहा यूं मेरे सतगुरु ने, लगा के मुझको सीने से कहा यूं मेरे सतगुरु ने, तड़प ना छोड़ मेरे चांद खुशियों का मुकाम आया, ना छोड़ मेरे चांद खुशियों का मुकाम आया, बहारें आ गई जब भी जुबां पे तेरा नाम आया, कष्ट
भी तेरे हाथ में तूफान जब आया बुजुर्गों की दुआएं थी जो अब तक हम सलामत है। बुजुर्गों की दुआएं थी जो अब तक हम सलामत है। बुजुर्गों की दुआएं थी जो अब तक हम सलामत हैं। बुजुर्गों की दुआएं थी जो अब तक हम सलामत हैं। न जाने कितने तूफानों में मेरा कारवां आया। कितने तूफानों में मेरा कारवां आया। न जाने कितने तूफानों में मेरा कारवां आया। बाहरें आ गई जब भी जुबां पे तेरा नाम आया। कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब आया। कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब मेरे हम नशीं तू नूर के पर्दों में सोया है। मेरे हम नशीं तू नूर के पर्दों में सोया है। लाखों पर्दे आसमान के जहाँ पे पले चिराग, लाखों पर्दे आसमान के जहाँ पे पले चिराग, अद्भुत नूर का तख्त बिछा जहाँ साहिब रहे विराज। ए मेरे हम तू नूर के पर्दों में सोया है। मेरे हम नशी तू नूर के पर्दे में सोया है। मेरा दिल तुझ को ढूंढे है लबों पे तेरा नाम आया। जब भी
जुबां पे तेरा नाम आया। तेरे हाथ में तूफान जब आया, मेरी कश्ती थी तेरे हाथ में तूफान जब आया। पहाड़ियां कहीं जब भी जुबान पे तेरा नाम आया, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तेरा नाम है तरण तारा, तेरा नाम है तरण तारा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। मृत्यु के देवता भगवान यम जब हमको परलोक में लिए जाते थे, हमारी आत्मा को देवलोक से जब गुजरे, वहां स्वर्ग का अधिपति इंद्र कुछ देवताओं के साथ वंदना और अभ्यर्थना करने के लिए आया, और उसने इस प्रकार से अपने धर्म विचारों को प्रकट किया। इंद्र ने कहा, हे देव, मृदु वाणी का क्या लाभ है? मृदु बोलने वाला व्यक्ति संसार में सबका प्रिय बन जाता है। मृदु वाणी से पशु पक्षी भी अपनेपन को समझने लगते हैं, अपना समझ के निकट आ जाते हैं। इंद्र ने पूछा, कटु बोलने से क्या हानि है? हे इंद्र, कड़वी वाणी, कटु वचन, क्रोध के समय निकले हमारे सर्प जैसे वचन दूसरों के हृदय को घायल कर देते हैं। क्रोध में मनुष्य विक्षिप्त आधे पागल जैसा हो जाता है। वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ खबर नहीं रहती। इस क्रोध को वश में करना अति कठिन है। काम के उद्वेग को वश में करना बड़ा कठिन है।
लोभ में पड़े हुए व्यक्ति को दान का उपदेश करना बड़ा कठिन है। मृदुवाणी वशीकरण है, सबको अपने वश में कर लेती है और कटुवाणी अपनों को भी बेगाना, शत्रु और विरोधी बना देती है। इसलिए जतन पूर्वक क्रोध को रोके, कटु वचन ना कहे। कटु वचनों से मनुष्य रात दिन घायल पशु की तरह तड़पता रहता है। इंद्र ने पूछा, विचार पूर्वक कर्म करने से क्या लाभ है? हे इंद्र, जो मनुष्य विचार पूर्वक कार्य करता है, मेरी शक्ति कितनी है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस कार्य में मुझको सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा विचार करके जो कार्य करता है, प्रसन्न हृदय से जो कार्य करता है, शांत मन से जो कार्य करता है, पहले ही योजना बना लेने के पश्चात जो कार्य करता है, उसको अपने काम में सफलता मिलती है। इंद्र ने पूछा, बिना सोचे समझे जो मनुष्य काम करते हैं, हे इंद्र, जो बिना सोचे विचारे कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं, वे सफल नहीं होते। संसार में उनकी हंसी होती है, उनके काम बिगड़ जाते हैं। अतः धैर्य को धारण करे, विवेक को धारण करे, धर्म बुद्धि को धारण करे, सभी पाप कर्मों का त्याग कर दे। संसार में जिन कामों को करने से मनुष्य की निंदा होती हो, उन दुष्कर्मों को आज ही त्याग देना चाहिए। दुनिया के मोह को त्याग कर प्रभु का प्रेम पैदा कर, दुनिया के मोह को त्याग के, झूठे प्रेम को त्याग के, आसक्ति को त्याग के, मूर्खता को त्याग के, निंदित कर्मों को त्याग दे। दुनिया के मोह को त्याग के प्रभु का प्रेम पैदा कर, प्रभु का सच्चा फकीर बन, इस सीप में मोती को पैदा कर। अपने हृदय को सीप जैसा बना, पवित्र बना, परमेश्वर के नाम को जप, सत्कर्म कर, दिखावे की माला ना फेर, लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ हवन ना कर, दिल का हुजरा साफ कर, सत्कर्म कर, पुण्य कर्म कर, मन को विचारों को पवित्र बना। सुमरण से नूर उपजता, परमात्मा का नाम सुमरने से, जपने से प्रकाश उत्पन्न होता है आत्मा में। सुमरण से नूर उपजता, पाप कर्मों से काल अग्नि उपजती, सत्कर्मों से ईश्वरीय ज्योति हमारे भीतर प्रकट होती है और पाप कर्मों से काल अग्नि, जो हमारे जीवन को फूंक के राख कर देती है। सुमरण से नूर उपजता, पाप से आग उपजती, पुण्य से ब्रह्म ज्योति, पाप से काल अग्नि उपजती। चमकदार दुनिया के, चमकदार ये दुनिया
भीतर से है खोखरी, ऊपर से चमक दिखाई देती है। चमकदार ये दुनिया भीतर से है खोखरी, सिर पे दुनिया की है पगड़ी और उसके ऊपर कूड़े की टोकरी। जो अपने को बड़ा बनते हैं वे बिना बात को सिर पे कूड़ा अभिमान का रख के घूमते फिरते हैं। शान शौकत ऐशो इशरत छुपी हुई आग है, विषय विकार काम भोग। शान शौकत ऐशो इशरत छुपी हुई आग है, आत्मा की तबाही करने वाली ये नरक की आग है। कुल मालिक ने जिसको इस आग से बचा लिया, उस परमात्मा ने काम क्रोध की आग से जो बच गई। कुल मालिक ने जिसको इस आग से बचा लिया, सीने से उसको लगाया और दोस्त अपना बना लिया। फुल संदेह वाले बाबा कहते बीती जावे जिंदगी, फुल संदेह वाले बाबा कहते बीती जावे जिंदगी, मेरे भोले साजन बंदगी कर बंदगी, बंदगी कर बंदगी, बंदगी कर बंदगी। जीवन तो बीत रहा है, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं अच्छाया मिव ग्रणेर गन्मा, गर्मी में तपते हुए को जैसे वृक्ष की छाया है, ऐसे ही मेरी तपती संतप्त आत्मा को हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, हे आदि पुरुष, तेरे चरणों की छाया है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।